नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज बिहार में तीसरे चरण और आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है। ठंड बढ़ रही है पर बिहार की सियासत में गर्मी है। आज वोटिंग हो रही है और आखिरी चरण की वोटिंग है। तमाम दावे जो है अब सभी की किस्मत अब ईवीएम में बंद होने जा रही है। आज शाम तक सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद तमाम दावों का दौर चलेगा। उसके पहले पीएम मोदी ने आज जो है बिहार के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के बीच में ट्वीट करके कहा है, लोगों से अपील की है, कोरोना संकट के बीच में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, लेकिन सावधानी के साथ मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लगाकर वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम बता रहे हैं आपको। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और हाँ, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखें। पीएम मोदी दरअसल पिछले भी चरणों में इस तरह की ट्वीट करते रहे हैं वोटिंग के पहले, और आज उन्होंने एक नई अपील में एक और शब्द जोड़ दिए हैं कि वोटिंग का रिकॉर्ड बनाएं, करें, सावधानी के साथ मतदान करें और वोटिंग का रिकॉर्ड बनाएं। मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्होंने लोगों को निकलकर वोट करने की अपील की है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया है सुबह सुबह। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील करते हुए उन्होंने ये कहा कि बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मत अधिकार का प्रयोग कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। विशेषकर युवाओं से आह्वान करता हूं कि बिहार में विकास और सुशासन को बनाए रखने के लिए बढ़ चढ़ कर मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। तो अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें मतदान में। आपको बता दें आज 243 सीटों में बिहार के आखिरी चरण में 78 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और 2,34,00,000 मतदाता इसमें वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं आज, और 1204 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और खासकर जो आज के इलाके हैं उन पर खास नजर इसलिए है कि सीमांचल का इलाका, मिथिलांचल का इलाका, कोसी का इलाका, इन तमाम इलाकों में चुनाव हो रहा है। और खास करके सबसे ज्यादा इन सीटों में अगर सबसे ज्यादा साख दांव पे लगी है तो जेडीयू की, उसके बाद बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं आरजेडी और महागठबंधन की, जो कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों में जो है सबसे ज्यादा सीट इसमें इस चरण में जो है जेडीयू के पास है। तो इन तमाम जो है सीटों पर वोटिंग चल रही है और शुरुआती दौर में ही काफी उत्साह दिख रहा है, भीड़भाड़ दिख रही है, तो पीएम मोदी की अपील का असर भी दिख रहा है। तो पीएम मोदी और अमित शाह ने सुबह सुबह लोगों से अपील की है कि सावधानी के साथ वोटिंग करें। तो आप भी निकलें, वोट करें, जरूर करें और जरूर इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।